नमस्कार बीसीएन न्यूज की खास मुलाकात इस कार्यक्रम में मैं क्षितिजा देशमुख आप सभी का स्वागत करती हूं। आज हमारे साथ है राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के श्रवण सिंह गोगामेडी। इनसे हम विभिन्न विषयों पर जो है चर्चा करेंगे। इन्हें जो है कल बामसेफ के कार्यक्रम में नागपुर में आमंत्रित किया गया था और जिसके बाद कई चर्चाएं होने लगी है क्योंकि राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना ये हिंदुओं को प्रमुख रूप से जो है हिंदुओं के मुद्दों को जो है समाज के सामने रखती है और बामसेब जो है इनकी ओर से इन्हें आमंत्रित किया गया था। इस पर ही मेरा पहला सवाल आपसे है और बहुत बहुत धन्यवाद आप हमारे स्टूडियो में आए इसके लिए। मेरा पहला सवाल ये है कि बामसेब के कार्यक्रम में आपको नागपुर में आमंत्रित किया गया था, कैसा अनुभव था और किस तरह से आपको आमंत्रित किया गया था? क्योंकि बामसेब का कार्यक्रम था, स्त्री मुक्ति दिन मनाया गया था मनुस्मृति दहन दिवस के अवसर पर और आप राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना से बिलोंग करते हो, क्या बताओगे? देखिए सुखदेव सिंह गोगामेडी साहब के जहां तक बात करें, वो राजपूत समाज में उसने भले ही जन्म लिया हो लेकिन आज के डेट में भारतवर्ष में अमर वीर शहीद के रूप में उसको पुकारा जा रहा है करके। अगर धर्म जाति समाज सबको अलग रखे, अगर हम सिर्फ सुखदेव सिंह गोगामेडी का नाम करें, अगर उस बात पर विचार करें जो सभी समाजों को न्याय दिलाता था, उसी के आधार पर वामशेप ने उस एक जो मैदान है सुखदेव सिंह गोगामेडी मैदान नाम रखा और उसमें हमें शीला शेखावत गोगामेडी जी को आमंत्रित किया। उस आमंत्रण पर हम यहाँ पहुंचे थे। बिल्कुल, आपने अभी बताया कि जिस तरह से एक क्रीड़ा मैदान है, खेल का मैदान है जिसे सुखदेव सिंह गोगामेडी का नाम भी दिया जा रहा है, किस तरह से इसे देखा जाएगा, क्या बताओ? ये तो एक जन भावना है, मतलब आप देखिए करके सुखदेव सिंह गोगामेडी जी ऐसा एक चेहरा था करके जो किसी भी अत्याचार के लिए या अन्याय के लिए सिंगल खड़ा हो जाता था। उसके दोस्तों से उन्होंने जो आज तक जो काम किए हैं सिर्फ दूसरे समाज के लिए ही काम किए हैं करके, और इसी वजह से मतलब आप देखिए इनके मन में इतनी प्रेरणा स्रोत है। इसके बीच में आपको एक बात और बताना चाहूंगा, सुखदेव सिंह गोगामेडी जी ने काशीराम जी की विचारधारा और इनके अंबेडकर जी विचारधारा के आधार पर एक बार बीच में बहुजन समाज पार्टी से चुनाव भी लड़ा था, 38,000 वोट भी लेके आए। उसके बाद राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना में वो शामिल हुए और राजपूत समाज का एक सबसे बड़ा मजबूत चेहरा बने। और इसके अलावा भी जब एससी समाज एसटी समाज या और किसी समाज पर अत्याचार हुए तो जगह जगह वो पहुंचे भी। बिल्कुल, जिस तरह से आपने बताया कि सुखदेव सिंह गोगामेडी का कार्य किस तरह से था, नागपुर में भी वो कई बार आ चुके हैं, नागपुर में भी उनकी अच्छी खासी करणी सेना की जो पकड़ हमने देखी है, क्या बताओगे नागपुर के राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के आगे की भूमिका किस तरह से होगी या किस तरह से यहाँ पे जो है कार्य चल रहा है, आपने उसका जायजा लिया है, क्या बताओगे? जब सुखदेव सिंह गोगामेडी जी की 5 दिसंबर को एक नृशंस हत्या कर दी गई करके, तो उसके बाद पूरे भारतवर्ष में रोष था और नागपुर में इस कार्यक्रम तो आए हैं। इसके अलावा हम यहाँ पर नागपुर में राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना की पूरी टीम से मिले, उन्होंने पूरी बातचीत की, सब कुछ बताई, उन्होंने ये विश्वास जता के हमें इतना और बताया करके, यहाँ पर जितने भी संगठन हैं राजपूत समाज के संगठन हैं उन्हें सुखदेव सिंह गोगामेडी को अपने आप रूप में स्वीकृत करते हुए उनके लिए खड़े और उनके लिए एक बड़ा आंदोलन किया और हमें भविष्य के लिए भी उन्होंने विश्वास दिलाया करके कि जिस प्रकार का आदेश शीला शेखावत गोगामेडी, हम यहाँ पर शीला शेखावत गोगामेडी का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, एक्चुअली वही आज राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना की कार्यकारी अध्यक्ष है, उनके प्रतिनिधि के रूप में आए, जिस प्रकार का भविष्य में होगा उसी हिसाब से वो सभी संगठन मिलकर काम करेंगे। बिल्कुल, जिस तरह से आपने बताया कि नागपुर में जो है सभी राजपूत जो संगठन है उन्होंने आपको समर्थन दिया है या जो भी है आपके साथ वो हर पल खड़े हैं, ये बता मैं पूछना चाहूंगी कि राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के अध्यक्ष जो सुखदेव सिंह गोगामेडी थे, इनकी हत्या जो है 5 दिसंबर को की गई थी, तो इनकी हत्या की जांच कहाँ तक पहुंची है या किस तरह से उसमें प्रोग्रेस है, क्या बताओगे? सुखदेव सिंह गोगामेडी जी की हत्या 5 दिसंबर को की गई, उसके बाद एक निर्णय लिया गया कि भाई सबसे पहले इस पार्थिव देव को अमृतत्व दिया जाए। आपने देखा होगा वीडियो के माध्यम से और कितना मतलब पूरे भारत में एक दौर चला, लेकिन ऐसा नहीं है कि श्रद्धांजलियों की खुशबू में या इन फूलों के सुगंध में न्याय को लोग भूल गए करके करके न्याय की वो लड़ाई है वो जारी है करके। अभी सरकार को NIA की जांच दी है, आज तक की सबसे बड़ी जांच है और इसको हम सहर्ष स्वीकार भी करते करके, लेकिन इसका वो एक कितने टाइम के अंदर वो जल्दी से हमें परिणाम देते हैं ये सारा समाज और सब उसको उनकी तरफ देख रहे हैं, उसके बाद समाज तय करेगा क्या करना है। बिल्कुल, जिस तरह से जांच हो रही है कि आप संतुष्ट हो और किसी तरह की आपकी मांग है सरकार से? सरकार से तो हमारे वही मांग है करके भाई, सरकार से हम मांग नहीं कर रहे, सरकार से समाज मांग कर रहा है, पूरा राजपूत समाज सरकार की तरफ देख रहा है और उनको एक ही बात कह रहा है
कि भाई जो सुखदेव सिंह गोगामेडे की हत्या करने में सबसे ऊपर का व्यक्ति शामिल है या फिर उसको नीचे बुलाने के लिए कोई भी एक सब ऐसा व्यक्ति शामिल है, उसको जो सजा दी जा सकती है वो सरकार के द्वारा दी जाए, नहीं तो समाज एक जो बड़ा एक रूप सोच रखा है वो उसको जीवंत रूप में परिवर्तित करेगा। बिल्कुल, सुखदेव सिंह गोगामेडे की अलग छवि समाज में थी, उन्हें हर जाति धर्म के लोग मानते थे। फिर अब आगे राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना की भागदौड़ किस तरह से रहेगी, किस तरह से भविष्य होगा, क्या बताओगे? अभी जो समाज ने एक निर्णय लिया है कि सुखदेव सिंह गोगामेडे जी 151 कलश निकाले गए हैं वो पूरे भारतवर्ष में आएंगे, यहाँ पर आपके नागपुर के बीच में भी पहुंचेंगे करके, वो एक साथ दिखाने के लिए कि उस अमर वीर की अस्थियां मतलब यहाँ तक आए, लोग छुए और प्रेरणा स्रोत बने आने वाले टाइम में करके। लेकिन इसके बाद ये जो मुहिम है इसको अस्थि कलश के साथ एक न्याय की मुहिम भी दी गई है। उसके बाद हमारे शीला बाबीसा जो है राष्ट्रीय कार्यकारिणी कार्यकारी अध्यक्ष बनाए गए, उसके दिशा निर्देश अनुसार जो कार्य बताए जाएंगे उसी हिसाब से इस संगठन की आगे नीति नीति तय होगी। बिल्कुल, राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना के बारे में बिल्कुल संक्षिप्त में बताइए हमारे दर्शकों को, किस तरह से इनका कार्य है, कहाँ कहाँ कार्य है? वैसे तो हम जानते हैं पूरे देश भर में और देश से बाहर भी राजपूत लोग जो है वहाँ भी ये कार्य होता है राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना का। तो क्या क्या आयोजन किए जाते हैं, किस तरह से कार्य होता है सामाजिक या राष्ट्रीय क्षेत्र में, क्या बताओगे? राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना की जहाँ तक बात करें करके, तो पहले राजपूत समाज का जहां भी नाम आता था तो राजपूताना राजस्थान को कहा जाता था। बिल्कुल, सुखदेव सिंह गोगामेडे ने इस विचारधारा को बदल के ना केवल राष्ट्र स्तर पर बल्कि पूरे भारत के कुछ 7 देश ऐसे हैं वहां स्तर तक एक राजपूत समाज को जोड़ने का काम किया। मैं आपको बोलूं, उनका एक नारा हुआ करता था, हम सब एक हैं करके। वो व्यक्ति जो मतलब हमारे तो भाई बोल रहे मैं तो, हमारे तो 5% थे, वो 95% तो समाज के आपके लोग थे करके। उन व्यक्ति ने 16-16 घंटे 17-17 घंटे समाज को समय दिया, समाज को जोड़ने के लिए। आप देखें कहाँ गोगामेडी पड़ता है, पूरे उत्तर में, अपना दक्षिण के लगभग किनारे पर बैठे, आगे तेलंगाना और साउथ में केरल में जाए, आगे और बात करेंगे। राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना राजपूत समाज के लिए खड़ा हुआ सबसे बड़ा एक संगठन था जो उसके समाज को न्याय दिला सके। इसके अलावा भी अन्य जितने भी समाज के जो लोग हैं उन पर किसी का अत्याचार होता है, किसी का होता है, वो एक कार्रवाई कर सके। इसके अलावा सामाजिक रूप से इसकी क्रिया प्रणाली, जिनके लिए सुखदेव सिंह जी गोगामेडे साहब के विचार थे, हम किसी, जैसे मान लो किसी लड़की है, कोई बच्ची है करके, क्या किसी भी समाज की हो, उसके विवाह के लिए किसी प्रकार की आवश्यकता है, कोई बच्चा है जो कि भाई पढ़ाई अच्छी कर रहा है, होशियार है, लेकिन उसके पास आर्थिक साधन संपन्न नहीं पहुंच पा रहे करके। इसके अलावा इस प्रकार का गांवों के अंदर एक आत्मरक्षा के लिए इस तरह की एक मुहिम शुरू की जाए कि हर कोई अपनी रक्षा करना सीख सके और क्षत्रिय के अंदर ये भावना पैदा की जाए, आपकी जिम्मेदारी है न केवल खुद की रक्षा करना बल्कि आपसे जो रक्षा के लिए आपसे पुकार करे आप उसकी भी रक्षा करें। इस तरह की उनकी नीति विरुद्ध थी, उद्देश्य थे, किस प्रकार से आगे कार्यकारिणी की जाएगी वो सब आगे संगठन तय करेगा। बिल्कुल, जिस तरह से आपने बताया कि राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना का कार्य क्या था और अभी भी वो कार्य शुरू है, निरंतर आगे भी रहेगा, लेकिन कई बार राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना को कई राजनीतिक पार्टियों की तरफ से लुभाया गया है, क्या आगे भी राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना जो है सामाजिक कार्य करेगी या किसी राष्ट्रीय किसी राजनीतिक संगठन से मिलेगी, क्या बताओगे? जैसे पहली बात तो राष्ट्रीय राजपूत करने से ना नाम हो गया तो समाज का संगठन हो गया करके, सबसे बड़ी बात ये हो गया, समाज का संगठन होगा, समाज के लिए न्याय के लिए खड़ा होगा करके, समाज के न्याय के लिए खड़ा होगा। तो समाज का न्याय का मतलब है कि समाज के राजनीतिक न्याय की भी बात की जाएगी करके, समाज आर्थिक न्याय की बात की जाएगी, सामाजिक न्याय की बात, सभी हितों की बात की जाए। लेकिन ऐसा नहीं है किसी पार्टी विशेष या उसके विशेष से, ठीक है वो अलग बात है करके, भाई वो अपना काम करे और समाज के लोग अपना काम करे, भाई न्याय उनसे मांगा जाएगा। बिल्कुल, उनके साथ ही हो गए तो न्याय कैसे मांगेंगे उनसे? तो कभी भी मतलब राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना जो है किसी राजनीतिक दल से नहीं मिलेगी। मैं क्या बोला कि जो इनके कार्यकारी अध्यक्ष बनाए गए, हम तो एक निमित्त मात्र हैं आज की डेट में, आप बताएं करके, उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष आज की डेट में जो निर्णय लेने वाले सब कुछ है वो वैसे तो खुद सुखदेव सिंह गोगामेडी है, उनके आगे हम स्वर्गीय नहीं लगा रहे, लेकिन उनके हमारे जो बाबी साहब को शीला शेखर गोगामेडी उसके दिशा निर्देश अनुसार और जो समाज के बड़े बड़े लोग बैठे हैं, संगठन के लोग बैठे हैं, वो नीति रीति और जो तय करेंगे उसके अनुसार एक कार्रवाई की जाएगी, ये मेरा बोलना उचित नहीं होगा। बिल्कुल, आखिरी सवाल और महत्वपूर्ण सवाल है ये, राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना की आगे की भागदौड़ जो है किसके हाथ में रहेगी या कौन कमान संभालने वाला है? इसमें तो कोई प्रश्न चिन्ह होना ही नहीं चाहिए, न कोई सवाल होना चाहिए। आप देखिए मतलब हमारे वहां पर एक शोक का विषय था तो भी एक छत्राणी अपनी जगह से उठ के आती है और एक मंच से दहाड़ती है, मंच के दहाड़ने में
सर्व समाज और इसके अलावा विशेषकर राजपूत समाज ये निर्णय करता है कि वो चेहरा सिर्फ एकमात्र है, वो शीला शेखावत गोगामेडी जी है, जो कि सुखदेव सिंह गोगामेडी का प्रतिरूप है। उनको वो पद भी दे दिया गया है, आगे दिन से काम किया जाएगा करके। और ये जो आपके प्रश्न है इसके लिए कोई इसमें आगे कोई सवाल या शंका है नहीं। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे स्टूडियो में आए और जो है पूरी प्रश्नों के आपने उत्तर दिए और जिस तरह से विभिन्न विषयों पर चर्चा की, राष्ट्रीय राजपूत कर्मी सेना क्या है, किस तरह से कार्य है, उसके बारे में जानकारी दी, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज के कार्यक्रम में वक्त चला यही रुकने का। आप देखते रहिए BCN News। नमस्कार।